हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया दैट इज़ द टिश्यू। टिश्यू के बारे में हम अभी जो चैप्टर है अपना वो कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने टिश्यू की डेफिनेशन एंड उसकी क्लासिफिकेशन वो डिस्कस की थी कि टिश्यू होते क्या हैं, ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल, एक जैसी सेल होती है सारी की सारी, और वो मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। आफ्टर दैट जो टिश्यू है उनको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है, इसमें इन एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। एनिमल में अलग फंक्शन होता है, प्लांट्स में अलग फंक्शन होता है, तो इन दोनों के अंदर अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कौन से है? प्लांट टिश्यू, जो प्लांट टिश्यू हैं, ठीक है, फिर उनको आगे क्लासीफाई किया गया। प्लांट टिश्यू को क्लासीफाई किया गया इनटू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। किस बेसिस पर? इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, उसको एक बार उसको देख लेना, रिवाइज कर लेना, ताकि आपको कभी रिविजन हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है, कि जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या थे, एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू, जो रैपिडली डिवाइड होते रहते हैं, उन टिश्यू को हमने क्या कहा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कौन से टिश्यू होते हैं, ये वो टिश्यू होते हैं जिनके अंदर जो ये डिवीजन की कैपेसिटी है ये लूज हो जाती है, ठीक है, जो डिवीजन की जो कैपेसिटी है वो धीरे 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 करके लॉस हो जाती है, उसका क्या है, वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हाँ, देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो इस तरीके की सेल होती है, ठीक है, इस तरीके की मतलब सेल होती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है, वो मिलके क्या बनाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक, ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल। और ये जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है मिलके क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इन सेल्स के अंदर एक्टिवली क्या होता रहता है, इनको एक काम दे दिया गया है कि भाई तुम डिवाइड करो, ठीक है, तो ये रैपिडली डिवाइड होती रहती है। ये थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब धीरे धीरे जाके, ठीक है, धीरे धीरे जो ये सेल है, ठीक है, आगे जाके ये क्या करती है भाई, डिवाइड करना, धीरे धीरे जाके डिवाइड करना ये बंद कर देती है, ठीक है। इनकी एक स्पेसिफिक शेप आ जाती है, इनको एक स्पेसिफिक फंक्शन दे दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए, और इनके पास एक डेफिनेट शेप आ जाती है, ठीक है। उस टाइम पे मतलब कि इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आके जो डिवीजन की कैपेसिटी है वो लॉस कर दी, ठीक है। तो इन टिश्यू को फिर बोलते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। दीज आर दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एक्टिवली डिवाइड हो रहे थे, और इनसे कौन से बनते हैं भाई, परमानेंट टिश्यू, मतलब ये आगे आगे डिवाइड होती रहेंगी, जो पीछे की सेल है वो अपनी एक परमानेंट शेप लेती जाएंगी, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द परमानेंट टिश्यू, दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिफरेंशिएशन, ठीक है। कौन सी प्रोसेस है ये, डिफरेंशिएशन। इसलिए जो परमानेंट टिश्यू है इनको कहा जाता है डिफरेंशिएटेड टिश्यू, एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहा जाता है अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, अंडरस्टैंड। अब अगर हम परमानेंट टिश्यू की शेप की बात करें, तो इनकी जो परमानेंट टिश्यू है इनकी जो शेप है वो कैसी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने पढ़ा था कि उनके अंदर जो वैक्यूल है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिल पाता उतना, वो रैपिडली डिवाइड होते रहते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है इनके अंदर जो वैक्यूल है, दे हैव दी लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल हमने पढ़ी है, ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। जो इनकी सेल वॉल होगी वो थिन भी हो सकती है, वो थिक भी हो सकती है, वो अब डिपेंड करेगा वो कौन सी सेल है, किस पार्ट की सेल है, भाई स्टेम की है, रूट की है, लीव्स की है, फ्लावर की है, ठीक है, और वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। इस बेसिस पर जो सेल वॉल है वो थिन भी हो सकती है, वो थिक भी हो सकती है। जो सेल है इनके अंदर वो डेड भी हो सकती हैं, वो लिविंग भी हो सकती हैं, ठीक है, ये भी अब उनके फंक्शन पे परफॉर्म करता है। जैसे अगर हम स्टेम की बात करें तो जो बार्क होती है, ठीक है, जिसको हम छाल बोलते हैं प्लांट की, ठीक है, उसके अंदर मोस्टली क्या होती है, डेड सेल होती है, और वो क्या है, परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। तो इनके जो सेल है वो डेड भी हो सकती है, वो लिविंग भी हो सकती है, और इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है
वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। वो भी अगेन किस पे डिपेंड करेगा? ऑन देयर फंक्शन। ठीक है, तो ये थी इनकी स्ट्रक्चर की भी। लार्ज वैक्यूल होता है, सेल वॉल है वो थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है। इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस है वो प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, और जो सेल है वो डेड भी हो सकती है या लिविंग भी हो सकती है। अगर अब हम परमानेंट टिश्यू के स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली, अगर अब हम इनके फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन में क्या होगा, इनका फंक्शन क्या क्या होता है परमानेंट टिश्यू का? जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू थे उनका फंक्शन जो था वो क्या था, मतलब डिवीजन का था, है ना, कि सेल है वो डिवीजन करती हैं। सेल के ऊपर क्या होता है, जो वर्कलोड है एक सेल के ऊपर वो कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी सेल मिलके अब एक कॉमन फंक्शन कर रही है ना, तो एक सेल के ऊपर जितना वर्कलोड था वो कम हो रहा था, वहां पे वो फंक्शन वो परफॉर्म कर रही थी। यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। अब ये भी देखा जाएगा किन सेल के अंदर, परमानेंट टिश्यू भी तो आगे क्लासिफाई किए गए ना, जब उनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे तब ये सारे फंक्शन हमें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करती हैं ये, स्पोर्टिव होते हैं नेचर में, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये, प्रोटेक्टिव भी होते हैं नेचर में, और ये क्या करते हैं भाई, बायोन्सी भी प्रोवाइड करते हैं। बायोन्सी मीन्स आपने देखा होगा कई पौधे हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट के पास वो भी किसकी वजह से है, ड्यू टू दी सिंपल, ड्यू टू दी परमानेंट टिश्यू। ओके, अब ये हम परमानेंट टिश्यू को आगे पढ़ेंगे कि इसका भी आगे क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन, जो वो क्लासिफिकेशन है इसको किस किस में किया गया है, दैट आर दी सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इनका फिर आगे क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफाई किया गया है इनको किस किस में, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमेटस सिंपल परमानेंट टिश्यू कह देंगे, कोलेन्काइमेटस सिंपल परमानेंट टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमेटस सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इनको एक एक करके हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे पेरेन्काइमा के बारे में। नाउ सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से हुए बच्चों, जो विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, वे जिनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है जिनकी सेल्स का वो क्या होता है, सिमिलर होता है, दैट आर दी सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इसमें हम बात कर रहे थे पेरेन्काइमा की, कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू कौन से होते हैं। अगर इनकी हम सेल के नेचर की बात करें, कि जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू जिन सेल से मिलकर बना हुआ है, वो जो सेल है उनका नेचर कैसा होगा भाई, वो कैसी होती है, लिविंग, और इसकी सेल के पास क्या होती है, पावर ऑफ डिवीजन, मतलब अभी भी ये क्या कर सकती हैं, डिवाइड कर सकती हैं। देखो क्या होता है, मान लो ये क्या था, इधर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था ना। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इधर इनसे क्या है, ये आगे जैसे डिवाइड होते जाएंगे, ठीक है, डिवाइड होते जाएंगे, तो पीछे वाले जो टिश्यू है वो परमानेंट होते जाएंगे। ठीक है, उनके पास जो कैपेबिलिटी है डिवीजन की वो लॉस होती जाएगी। ठीक है, तो जो जनरली अभी जिनसे मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, मतलब आगे बढ़ी हैं डिवाइड होके, ठीक है, तो ये जो पीछे वाला पोर्शन है दैट इज दी पेरेन्काइमेटस टिश्यू, मतलब कि वो सेल जिन क्या है, लिविंग है, उनके पास पावर ऑफ डिवीजन है। ठीक है, और ये आगे बढ़ती जाएंगी, पीछे वाली जो सेल है वो और ज्यादा परमानेंट शेप एंड फंक्शन है वो अटेन करती जाएंगी। ठीक है, तो इनकी जो सेल होती है पेरेन्काइमेटस टिश्यू की सेल, उनका जो नेचर है दैट इज द लिविंग एंड पोसेस द पावर ऑफ ए डिवीजन। अगर इनकी सेल की शेप की बात करें, तो इनकी सेल की जो शेप है वो सेल की शेप कैसी होती है, ओवल भी हो सकती है, ठीक है, राउंड, या किसी कैसी भाई, पॉलीगोनल भी हो सकती है या इलोंगेटेड भी हो सकती है। ठीक है, ओवल भी, पॉलीगोनल भी या इलोंगेटेड, ये इनकी सेल की शेप है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसी होगी, जो इनकी सेल की जो सेल वॉल होती है दैट विल बी थिन, कैसी होगी भाई, वो थिन होती है। जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और इनके पास जो सेंट्रल वैक्यूल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, हमने पढ़ा था ना कि परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं जिनके अंदर जो सेंट्रल वैक्यूल है वो कौन सा होता है, लार्ज, तो सेंट्रल वैक्यूल उनके अंदर लार्ज होता है।
और जो इनकी सेल हैं उनके बीच में जो स्पेस है ना, द स्पेस बिटवीन द सेल इज नोन एज द इंटरसेलर स्पेस। द इंटरसेलर स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल ऑफ द पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ मिलेंगी, ठीक है, कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं, इनकी जो अकरेंस है वो कहाँ है, पैरेन्काइमेटस सेल जो प्लांट है उसके अप्रोक्सीमेटली सभी जो पार्ट हैं, इन ऑल पार्ट ये वहाँ पे मिलती हैं। स्टेम है, रूट्स हैं, ब्रांचेज हैं, फ्रूट्स है, फ्लावर हैं, लीव्स हैं, ठीक है, तो हर एक पार्ट में जो पैरेन्काइमेटस सेल है ये मिलती हैं। ठीक है, अगर इनके हम फंक्शन की बात करें तो इनका जो फंक्शन है वो क्या होता है, द फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमेटस सेल या पैरेन्काइमेटस टिश्यू इज द स्टोरेज ऑफ द फूड, या फूड को स्टोर करती हैं। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड है वो प्रिपेयर होता है, ठीक है, उसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और जब वो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। ठीक है, तो जो पोटैटो जो ट्यूबर है उसके अंदर जो स्टार्च स्टोर होता है वहां पे उसको टर्म दी गई है, दैट इज द अमाइलोप्लास्ट। जो स्टार वहां पे स्टोर होता है दैट इज द अमाइलोप्लास्ट इन द पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। ओके, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है प्लीज लीव इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेन्काइमेटस टिश्यू ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो गया है, इसमें एक बात और हमने करनी है, इनके पास एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो क्या है कि जब पैरेन्काइमेटस टिश्यू के पास या इसकी सेल के पास, ये इसकी सेल है, इसकी सेल के पास अगर क्या हो, क्लोरोफिल हो। ठीक है, अब हम सबको पता है कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का। तो जिन पैरेन्काइमेटस सेल के पास क्लोरोफिल हो उनको क्या कहा जाता है, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, उन सेल को एक नया नाम देते हैं, दैट इज द क्लोरेन्काइमा। अंडरस्टैंड, ठीक है, क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा कौन से होते हैं, दिस सेल पैरेन्काइमेटस सेल विच हैव द क्लोरोफिल। अब इनके पास क्लोरोफिल है तो दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं इन टू द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। अब पैरेन्काइमेटस सेल ही होती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल के पास अगर ये कैपेबिलिटी हो कि उनकी सेल के बीच में क्या हो, उनकी सेल्स के पास क्या प्रेजेंट हो, एयर कैविटी हो। ठीक है, जिसकी वजह से उस प्लांट के पास कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, टू फ्लोट ऑन द वॉटर सर्फेस, बायोम्सी उनको मिल जाती है कि वो पानी की सतह पर वो पौधे तैर सकते हैं। ठीक है, तो उनको, उनके पास जो टिश्यू होता है उसको क्या कहेंगे, दैट इज द एरेन्काइमेटस। ठीक है, क्या कहेंगे, एरेन्काइमेटस। ठीक है, एरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमा के पास जब क्या हो, एयर कैविटी प्रेजेंट हो, क्लोरेन्काइमेटस जब पैरेन्काइमा के पास क्या हो, क्लोरोफिल हो, इनका फंक्शन भी है। ठीक है, एरेन्काइमेटस किस में हेल्प करते हैं, टू फ्लोट ऑन द वॉटर सरफेस, मतलब प्रोवाइड बायोन्सी टू द प्लांट, एंड क्लोरेन्काइमेटस, क्लोरेन्काइमा जो है ये क्या करेगा, ये प्लांट को कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो इसके साथ ही हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसका जो फर्स्ट टाइप है दैट इज द पैरेन्काइमा, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम कोलेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में करेंगे तो बच्चों जो वीडियो हो वो लेंथी हो जाएगा, एंड लॉकडाउन है ना, क्लासेस हमने अपनी रखनी है, ज़्यादा लेंथी वीडियो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी इतना ही कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कोलेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस। एंड स्टूडेंट, बी सिंसियर टुवर्ड योर स्टडी, अच्छे से काम कीजिए। ठीक है, हमें नहीं पता स्कूल कब खुलेंगे कब नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की, मतलब कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उस चीज़ के लिए। ओके, थैंक यू।